न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 टीम हुई घोषित। अचानक से भारत से बुलाए गए ये 5 भूखे शेर खिलाड़ी टीम में किए गए शामिल। अब भारत को हराना होगा बहुत मुश्किल। ऐसी प्लेइंग 11 टीम आपने पहले किसी मुकाबले में नहीं देखी होगी। तो दोस्तों आखिरकार भारत की कौन सी प्लेइंग 11 टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और 22 नवंबर को T20 सीरीज खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। हालांकि पहला वनडे मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर को शुरू होने जा रहा है। और वहीं हम आपको बता दें कि शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया यहां वनडे सीरीज को जीतकर एक नया मुकाम हासिल करना चाहेगी। तो वहीं वनडे सीरीज में भी T20 के जैसे ही बड़े खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। दरअसल रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के बाद आराम दिया गया है और अब ये वनडे सीरीज में भी शामिल नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि पहला वनडे मुकाबला आप सभी भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से देख सकोगे, जहां पहले वनडे मैच को 25 नवंबर को ऑकलैंड के इडन पार्क में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 27 नवंबर को हैमिल्टन में होगा और तीसरा वनडे मुकाबला 30 नवंबर को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा, जहां मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में अमेजन प्राइम पर देखी जा सकेगी, जबकि टीवी पर मैच डीडी स्पोर्ट्स पर आप सभी देख सकोगे। अगर आप डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव मैच देखना चाहते हो तो आपको फ्री डीटीएच सर्विस लेनी होगी और दूरदर्शन की फ्री डीटीएच सर्विस के लिए आपको कोई मंथली चार्ज भी नहीं देना होगा, जिसके चलते फ्री में ही आप मैच का मजा ले पाओगे। तो वही बात की जाए अगर भारत न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में, तो दोस्तों दोनों ही टीमों ने अब तक कुल मिलाकर 110 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 55 भारत ने जीते हैं और 49 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं। तो वही भारत ने न्यूजीलैंड में 14 मैच जीते हैं, जबकि 25 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों अगर सभी मिलाकर आंकड़े देखे जाएं तो टीम इंडिया ज्यादा मजबूत है और पलड़ा भारत का भारी है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड में देखा जाए तो वहाँ टीम इंडिया ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। तो यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान पर अब जिम्मेदारी होगी कि वो न्यूजीलैंड को उनकी सरजमी पर हरा के जैसे T20 सीरीज अपने नाम की है, वैसे ही वनडे सीरीज को भी अपने नाम करे। लेकिन खैर दोस्तों ये तो अब हम सभी को पहले वनडे मैच में ही पता चलेगा, लेकिन आइए अब आपको पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले बता देते हैं कि आखिरकार शिखर धवन की कप्तानी में कौन सी प्लेइंग 11 टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए उतरने वाली है और किन खिलाड़ियों को बाहर रखा जा रहा है और कौन खिलाड़ी आप सभी को अंदर खेलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर शिखर धवन ने जिन ओपनर खिलाड़ियों का नाम अपनी टीम में चुना है खिलाने के लिए, उसमें शामिल है खुद शिखर धवन और शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों आप सभी को भारत की तरफ से ओपनिंग करते हुए पहले वनडे मैच में दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं फिर मध्यम क्रम की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव का नाम है और चौथे नंबर पर सुरेश अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे और 5वें नंबर पर दीपक हुड़ा को टीम इंडिया में शामिल किया गया है और 6ठे नंबर पर अब संजू सैमसन को मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर मध्यम क्रम। वहीं बात करें अगर आगे बढ़ते हुए गेंदबाजी की, तो दोस्तों गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर टीम का हिस्सा होंगे, युजवेंद्र चहल को खेलते हुए आप सभी देख पाओगे और वहीं टीम का हिस्सा अर्शदीप सिंह भी होने वाले हैं, दीपक चाहर खेलते हुए दिखाई देंगे और उमरान मलिक को टीम इंडिया में शामिल किया है शिखर धवन ने। तो दोस्तों ये होगी भारत की टीम जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आप सभी को खेले जाती हुई नजर आने वाली है। हालांकि इस टीम में एक आधा और बदलाव हो सकता है, अगर शिखर धवन ने ऑकलैंड की पिच भापने के बाद सुरेश अय्यर को टीम में शामिल किया जा सकता है और शार्दुल ठाकुर को उमरान मलिक की जगह पर टीम में रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हो, अगर ये प्लेइंग 11 टीम मैदान पर उतरी तो क्या ये टीम न्यूजीलैंड को हरा पाने में कामयाब हो पाएगी पहले वनडे मैच में या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट की ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।